हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के हमारे इस क्लास में हम लोग टॉप 100 करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सितंबर 2024 से रिलेटेड हैं। पूरे मंथ के करंट अफेयर्स का यहाँ पर कलेक्शन है और जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको वन लाइनर्स के फॉर्म में डिस्कस किया गया है, साथ में उनका एक्सप्लेनेशन भी है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो शिगेरू इसबा जो हैं ये जापान के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। बात करें अगर जापान की तो इसकी राजधानी है टोक्यो, मुद्रा है येन और प्रधानमंत्री यहाँ पर शिगेरू इसबा हैं। इसके पहले फुमियो किसिदा थे, उनका स्थान लिया है शिगेरू इसबा ने। बात करें अगर जापान की तो जापान में मेनली 4 आइलैंड्स हैं। पहला होकाइडो है, फिर होन्सू है, शिकोकू है एंड लास्ट में क्यूसू है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत का स्थान 39वां रहा है इस बार। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करें तो इस बार का 17वां इंडेक्स था ये। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने इसको जारी किया है और अंतिम स्थान अंगोला का रहा है, 133वां स्थान रहा है अंगोला का। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत को 39वां स्थान मिला। इस इंडेक्स में देशों को उनके इनोवेशन गुणों के आधार पर रैंक किया जाता है। स्विट्जरलैंड लगातार 14वें साल इस सूची में टॉप पर है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत दुनिया में 40वें स्थान पर था और इस बार भारत ने अपना 39वां स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डिप्टी चीफ बनाए गए हैं इंडियन एयरफोर्स के SP धारकर। अगर बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स की तो स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और प्रमुख हैं अमरप्रीत सिंह। कंबोडिया में भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो B. वनलाल वन्ना को नियुक्त किया गया है कंबोडिया में भारतीय राजदूत के रूप में। कंबोडिया की बात करें तो नोम पेन यहाँ की राजधानी है, मुद्रा है कंबोडियन रियाल और प्रधानमंत्री हैं हुन मानेट। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 इज, विश्व रेबीज दिवस 2024 कब मनाया गया? तो ये 28 सितंबर को मनाया गया है। इसका उद्देश्य है लोगों को रेबीज की रोकथाम और उसके उपचार के बारे में जागरूक करना। इस बार की जो थीम रही है वह है रेबीज की बाधाओं को तोड़ना। विश्व रेबीज दिवस पहली बार 2007 में मनाया गया था और तब से इसकी स्टार्टिंग हो गई और लगातार मनाया जाता रहा है। खाकी में स्थित प्रज्ञ इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक को लिखा है अनिल रतूड़ी ने। उत्तराखंड के पूर्व पुलिस महानिदेशक हैं अनिल रतूड़ी, इनकी बुक है खाकी में स्थित प्रज्ञ, इसका विमोचन हो चुका है। अनिल रतूड़ी ने ये बुक IPS अधिकारी के रूप में अपने संस्मरणों और उनका जो एक्सपीरियंस रहे हैं उनके आधार पर ये बुक लिखी है। IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर किसने अभेद नामक हल्के वजन की बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है? तो ये बुलेट प्रूफ जैकेट जो है DRDO के द्वारा विकसित की गई है। ये जैकेट पॉलीमर और स्वदेशी बोरान कार्बाइड सिरेमिक सामग्री से बने हुए हैं। 8.2 किलोग्राम और विभिन्न स्तरों के लिए 9.5 किलोग्राम के न्यूनतम संभावित वजन के साथ, आगे और पीछे के कवच के साथ ये मॉड्यूलर डिज़ाइन जैकेट 360 डिग्री सुरक्षा प्रदान करते हैं। अगर फुल फॉर्म की बात करें अभेद की तो इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड बैलिस्टिक्स फॉर हाई एनर्जी डिफीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने नीलगाय और जंगली सूअरों के आतंक से मुक्ति पाने के लिए उन्हें मारने की अनुमति देने का फैसला लिया है? विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू अलाउ द किलिंग ऑफ नीलगाय एंड वाइल्ड बोर्स टू गेट रिड ऑफ देयर टेरर? तो बिहार में ये अनुमति दी गई है। इस फैसले के तहत राज्य के 5 जिलों में कौन कौन से जिले हैं? वैशाली, पूर्वी चंपारण, बक्सर, सीवान और समस्तीपुर। इन जिलों में नीलगाय और जंगली सूअरों को मारने का अभियान चलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए हिमड्रोन एथान का परीक्षण कहाँ पर किया है? तो ये परीक्षण लद्दाख में किया गया। इस कार्यक्रम में 20 से अधिक स्वदेशी ड्रोन निर्माताओं ने भाग लिया है और अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है इसके उपयोग से उच्च ऊँचाई वाले क्षेत्रों में सैन्य अभियानों में क्रांति लाना। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 इज, टाटा स्टील ने भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस सुविधा ये कहाँ पर स्टार्ट की है? ये कलिंग नगर ओडिशा में स्टार्ट की गई है। कुल 27,000 करोड़ रुपए के निवेश से इस संयंत्र की क्षमता 3 मिलियन टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर के 8 मिलियन टन प्रतिवर्ष हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय टेनिस जोड़ी ने हांगजू ओपन 2024 में पुरुष युगल का खिताब जीता है? तो ये खिताब जीता गया जीवन नेदुचेझियान और विजय सुंदर प्रशांत के द्वारा। हार्ड कोर्ट पर खेला जाने वाला ये ATP 250 टूर्नामेंट है और 18 से 24 सितंबर 2024 के बीच में ये ऑर्गेनाइज हुआ हांगजू चाइना में। पुरुष एकल का खिताब जीता है मारिन सिलिक ने, जो कि क्रोएशिया से बिलोंग करते हैं। एरोनॉटिक्स
डेवलपमेंट एजेंसी यानी एडीए के महानिदेशक कौन बनाए गए? तो जितेंद्र जे जाधव जो हैं एडीए के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। बात करें एडीए की तो इसकी स्थापना हुई थी 1984 में, मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत का तीसरा स्थान रहा है एशिया पावर इंडेक्स में। एशिया पावर इंडेक्स जो है वो फर्स्टली रिलीज़ किया गया था 2018 में और इसको इशू किया है ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक लॉबी इंस्टीट्यूट ने। टॉप थ्री कंट्रीज़ की बात करें तो फर्स्ट नंबर पर US है, फिर चाइना एंड देन थर्ड नंबर पर इंडिया है। ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के प्रतिष्ठित ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं विनोद बच्चन। विश्व समुद्र दिवस यानी वर्ल्ड मैरीटाइम डे 2024 कब सेलिब्रेट किया गया? तो 26 सितंबर में ये सेलिब्रेट किया गया है। इस बार की थीम रही है नेविगेटिंग द फ्यूचर, सेफ्टी फर्स्ट यानी भविष्य की यात्रा, सुरक्षा पहले। क्वेश्चन नंबर 16 है, वर्ष 2025 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्जियम 4 मिशन का संचालन करेगा? तो शुभांशु शुक्ला जो हैं ये 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS के लिए एक्जियम 4 मिशन का संचालन करेंगे। ISS की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना हुई थी 20 नवंबर 1998 में। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का संचालन और प्रबंधन USA, रशिया, यूरोप, जापान और कनाडा की जो अंतरिक्ष एजेंसियां हैं उनकी साझेदारी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार ये किसे दिया गया है? तो ये ICMR को दिया गया है। ICMR जिसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद कहते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 1991 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है और सचिव और महानिदेशक हैं डॉक्टर राजीव बहल। भारत ने पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर संयंत्र निर्माण शक्ति स्थापित करने के लिए किसके साथ में समझौता किया है? तो ये समझौता USA के साथ में किया है भारत ने। 25 सितंबर 2024 को ये हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे हवाई अड्डे का नाम बदल करके क्या रखने को मंजूरी दी है? तो जगतगुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये रखने के लिए मंजूरी दी गई है पुणे हवाई अड्डे के नाम को बदल करके। दलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इंडिया ए के द्वारा ये जीता गया। दलीप ट्रॉफी की बात करें तो ये प्रथम श्रेणी क्रिकेट का प्रारूप है। इसका प्रथम संस्करण जो है 1961 से 1962 के बीच में आयोजित हुआ। प्रशासक है BCCI और वर्तमान चैंपियन है भारत ए, इसने पहला खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर अवार्ड 2025 के लिए भारत की किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री मिली है? तो लापता लेडीज़ नाम की मूवी है जिसको ऑस्कर अवार्ड 2025 के लिए ऑफिशियल एंट्री मिल चुकी है। कॉमेडी ड्रामा जो है लापता लेडीज़, इस फिल्म को फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ऑस्कर 2025 के लिए भारत के आधिकारिक प्रस्तुति के रूप में चुना है। फिल्म का निर्देशन किया है किरण राव ने। विश्व बैंक ने किसे नुकसान और क्षति का जवाब देने के लिए फंड के पहले निदेशक के रूप में नियुक्त किया? तो इब्राहिम शेख डियान को नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में, मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC USA में है। अध्यक्ष हैं अजय बंगा और CEO हैं अंशुला कांत। 189 सदस्य देश हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी SVPNPA के नए प्रमुख कौन बनाए गए हैं? तो अमित गर्ग यहाँ के नए प्रमुख बनाए गए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी जो है इसकी स्थापना हुई थी 15 सितंबर 2018 में, मुख्यालय इसका तेलंगाना में है, मूल विभाग गृह मंत्रालय है। विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2024 ये किस दिन मनाया जाता है? तो 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की इस बार की थीम रही है फार्मासिस्ट वैश्विक स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 32वें एकलव्य पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो प्रत्याशा रे को इसके लिए चुना गया है। प्रत्याशा रे को तैराकी में उनकी उपलब्धियों के लिए 2024 के 32वें एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया। उन्हें 7 लाख का नगद पुरस्कार दिया जाएगा और एकलव्य पुरस्कार की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। भारत के पहले कार्बन डाइऑक्साइड से मेथेनल प्लांट पायलट प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? ये उद्घाटन महाराष्ट्र पुणे में हुआ है। थर्मैक्स लिमिटेड परिसर में 1.4 टन प्रतिदिन की कुल क्षमता वाले भारत के पहले CO2 से मेथेनॉल बनाने वाले पायलट प्लांट का उद्घाटन हो गया है। इसका उद्देश्य है नेट जीरो कार्बन इमिशन प्राप्त करने की दिशा में जो प्रयास हैं उनको बढ़ावा देना। 45वीं शतरंज ओलंपियाड 2024 में किस देश ने पहली बार पुरुष और महिला दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता है? तो इंडिया के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। 10 से 23 सितंबर 2024 के बीच में इसका आयोजन हुआ था बुडापेस्ट हंगरी में। 45वां संस्करण था इस बार का।
2022 का जो चेस ओलंपियाड वेन्यू था ये चेन्नई तमिलनाडु था। 2026 में जो वेन्यू होगा वो ताशकंद उज्बेकिस्तान होगा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नए प्रमुख कौन बनाए गए हैं? तो आलोक रंजन को NCRB का नया प्रमुख बनाया गया है। स्थापना इसकी 11 मार्च 1986 में हुई थी। मुख्यालय है दिल्ली में और मूल विभाग गृह मंत्रालय है। नेक्स्ट, मदर मैरी कम्स टू मी इस बुक को किसने लिखा है? तो ये बुक लिखी गई है अरुंधति रॉय के द्वारा। भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 7 सफलतापूर्वक आयोजित किया है? ओमान के साथ में ये अभ्यास आयोजित किया गया है। 7वां संस्करण था इस बार का। भारत और ओमान ने इसमें भाग लिया है। 11 से 22 सितंबर के बीच में इसका आयोजन हुआ और इंडियन एयरफोर्स ने MiG-29 और जगुआर विमान और इसी के साथ साथ ओमान की रॉयल एयरफोर्स के F-16 और हॉक विमानों ने इसमें भाग लिया है। पहले संस्करण की बात करें तो पहला संस्करण इसका 2009 में ओमान में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट, किसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भारतीय सिनेमा में सबसे सफल फिल्म स्टार के रूप में मान्यता दी है? तो चिरंजीवी कैनेडेला को ये मान्यता दी गई है। हु वॉज रिकॉग्नाइज्ड इन द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एज द मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म स्टार इन इंडियन सिनेमा? तो चिरंजीवी कैनेडेला हैं, इनको ये मान्यता मिली है। वर्ल्ड राइनो डे कब सेलिब्रेट किया गया? तो 22 सितंबर को ये सेलिब्रेट किया गया है। इस बार की थीम रही है सभी पाँचों को जीवित रखें। विश्व राइनो दिवस पहली बार 2011 में मनाया गया था, उसके बाद से लगातार ये मनाया जाता रहा है। US ओपन 2024 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो जेन्निक सिनर जो कि इटली से बिलोंग करते हैं इन्होंने ये खिताब जीता है। पुरुष एकल में विजेता है जेन्निक सिनर और उपविजेता है ट्रेलर फ्रिट्ज। महिला एकल में विजेता है आरिना सबालेंका, बेलारूस से बिलोंग करती हैं, और उपविजेता है जेसिका पेगुला, USA से बिलोंग करती हैं। पुरुष युगल की बात करें तो मैक्स पर्शिल और जॉर्डन थॉमसन दोनों ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं। महिला युगल में ल्यूडमिला किचेनोक जो कि यूक्रेन से बिलोंग करती हैं और जेलेना ऑस्ट्रोपेंको लातविया से बिलोंग करती हैं। मिश्रित युगल की बात करें तो सारा ईरानी और एंड्रिया वावाशोरी दोनों ही इटली से बिलोंग करते हैं, इन्होंने ये खिताब जीता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो नेपाल बन चुका है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो स्थापना इसकी 30 नवंबर 2015 को हुई थी। भारत और फ्रांस की पहल पर इसकी शुरुआत हुई। अध्यक्ष है भारत, महानिदेशक हैं अजय माथुर और मुख्यालय इसका गुरुग्राम हरियाणा में है। भारत ने पेरिस पैरालंपिक 2024 की पदक तालिका में 18वां स्थान हासिल किया है। इस बार 7 गोल्ड, 9 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज और टोटल 29 मेडल्स के साथ मेडल टैली में इंडिया का 18वां स्थान रहा है। पेरिस पैरालंपिक्स 2024 में प्रवीण कुमार ने ऊंची कूद T64 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। इससे पहले प्रवीण कुमार ने टोक्यो 2020 में रजत पदक जीता था। प्रवीण कुमार जो हैं वो बेसिकली UP से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो रणधीर सिंह बनाए गए हैं एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष। स्थापना इसकी 1982 में हुई थी। मुख्यालय कुवैत सिटी कुवैत में है। सदस्यता है 45 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां इसकी सदस्य हैं। एशियाई ओलंपिक परिषद OCA एशिया में खेलों का शासी निकाय है। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में ज्योति बिरवाल ने महिलाओं की 76 किलोग्राम स्पर्धा में कौन सा पदक हासिल किया? तो इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ज्योति बिरवाल ने महिलाओं की 76 किलोग्राम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 स्पेन के पोर्टोवेंद्रा म्यूनिसिपल स्पोर्ट्स हॉल में आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता में कुश्ती के तीनों विषय पुरुष फ्रीस्टाइल, ग्रीको रोमन और महिला फ्रीस्टाइल के इवेंट शामिल हैं। अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप के 2024 के संस्करण में कुल 30 भारतीय पहलवानों ने भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस यानी कि इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे 2024 ये सेलिब्रेट किया गया है 7 सितंबर को। ये हर साल सितंबर के पहले शनिवार को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार 7 सितंबर को पहला शनिवार पड़ा था। अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस 2024 को जो थीम रही है वो है आसमान के गुमनाम नायकों का जश्न मनाना। पहला ये मनाया गया था 2009 में। भारत और मालदीव के बीच 5वीं रक्षा सहयोग वार्ता ये कहाँ पर आयोजित की गई है? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। 5वीं रक्षा सहयोग वार्ता है भारत और मालदीव के बीच में। भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेतृत्व जो है भारत के रक्षा सचिव श्री गिरिधर माने ने किया। मालदीव प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है मालदीव के राष्ट्रीय बल के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल इब्राहिम हिलमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2024 किस दिन मनाया गया है? इंटरनेशनल लिटरेसी डे ये सेलिब्रेट किया गया है 8 सितंबर को।
इस बार की थीम रही है बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना, आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता। विश्व में पहली बार जो है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर 1967 को मनाया गया था। सितंबर 2024 में पहली भारत खाड़ी सहयोग परिषद की विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है, तो ये बैठक सऊदी अरब में आयोजित हुई है। इसमें संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान और कतर, कुवैत शामिल हैं। ये बैठक भारत और जीसीसी के बीच में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और सांस्कृतिक आदान प्रदान में सहयोग को बढ़ाने का अवसर प्रदान करती है। भारत का पहला कोविड गंभीरता जांच करने वाला बायोमार्टर किट ये किसने लॉन्च किया है, तो ये छत्तीसगढ़ के द्वारा लॉन्च किया गया है। रायपुर में जो भीमराव अम्बेडकर हॉस्पिटल है उसके मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट में वैज्ञानिकों ने देश की पहली बायोमार्कर किट विकसित कर ली है, जो शुरुआती दौर में ही कोविड-19 का जो संक्रमण है उसकी फर्टिलिटी कितनी है, गंभीरता कितनी है, इसका सटीक अनुमान लगा लेगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी नेशनल हेल्थ मिशन, इसका मिशन निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो विनय गोयल बनाए गए हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के नए मिशन निदेशक। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को मिलाकर के 2013 में भारत सरकार के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। नोडल मंत्रालय है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। इसका उद्देश्य है सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक ग्लोबल रीच सुनिश्चित करना। सितंबर 2024 में भारत का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया, तो तुहिन पांडे बनाए गए हैं भारत के नए वित्त सचिव। वित्त सचिव जो होता है वो भारत के वित्त मंत्रालय का सबसे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होता है, जो मंत्रालय के विभिन्न विभागों के कामकाज का समन्वय करता है। 46 नंबर क्वेश्चन इज, एशियाई राजा गिद्धों के लिए भारत के पहले संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर हुआ, तो ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कैंपियरगंज रेंज में एशियाई राजा गिद्धों के संरक्षण के लिए भारत के पहले संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे 2024 सेलिब्रेटेड, विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस ये मनाया गया है 8 सितंबर को। इस बार की थीम रही है कमर दर्द और इसके प्रबंधन और रोकथाम में फिजियोथेरेपी की भूमिका। ये दिवस पहली बार 1996 में विश्व फिजियोथेरेपी के द्वारा नामित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण संयंत्र ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो ये ओडिशा में स्थापित किया जाएगा। इसका शिलान्यास समारोह जो है वो भुवनेश्वर के इन्फो वैली में स्थित EMC पार्क में आयोजित किया गया। नेक्स्ट, किस भारतीय मुक्केबाज ने संयुक्त अरब अमीरात में पहली एशियाई स्कूली छात्रा चैंपियन बनकर के इतिहास रचा है, तो दीपाली थापा ने ये इतिहास रचा है। 33 किलोग्राम भार वर्ग में दीपाली थापा ने फाइनल में यूक्रेन की ल्यूडमिला वासिलचेंको को हराया। AI द्वारा उत्पन्न जो खतरे हैं उनको कम करने के लिए किस देश ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ब्रिटेन ने ये साइन किए हैं। ब्रिटेन सरकार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य है टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग को रोकना, जैसे कि गलत सूचना फैलाना या फिर निर्णय लेने के लिए जो पक्षपातपूर्ण डेटा का उपयोग होता है, इन सभी चीज़ों को रोकना। कौन से स्थान का नाम बदलकर श्री विजयपुरम रखा जाएगा, तो पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान और निकोबार की कैपिटल है इसका नाम बदल करके अब श्री विजयपुरम रखा जाएगा। ये द्वीप जो है कभी चोल साम्राज्य का नौसैनिक अड्डा हुआ करता था। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता ग्रहण की है, तो अल्जीरिया ने इसकी सदस्यता ग्रहण की है। NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो स्थापना 15 जुलाई 2014 में हुई थी। मुख्यालय इसका संघाई चाइना में है। हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया, तो ये 14 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया है। भारत सरकार द्वारा पहला हिंदी दिवस मनाया गया था 14 सितंबर 1953 को, तब से ये मनाया जाता रहा है। और वैश्विक भाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वो 10 जनवरी 1975 में नागपुर में आयोजित किया गया था। हाल ही में विश्व ओजोन दिवस ये कब मनाया गया, 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। ओजोन परत जो है वो हमारे सूर्य की हानिकारक किरणों से हमें बचाती है और इस प्रकार प्लैनेट पर जीवन को सुरक्षित रखने में, संरक्षित रखने में मदद करती है। इस बार की थीम रही है जीवन के लिए ओजोन। केंद्र सरकार ने हरित गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना को मंजूरी दी है, तो PM E-Drive नाम की योजना है जिसको मंजूरी दी गई है हरित गतिशीलता को बढ़ाने के लिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अपनाने और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए PM इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव क्रांति इन इनोवेशन व्हीकल एनहांसमेंट यानी PM E-Drive योजना को मंजूरी दे दी है।
भारत ने तूफान यागी से प्रभावित देशों में मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया? तो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सद्भाव। टाइफून यागी से प्रभावित देश हैं म्यांमार, लाओस और वियतनाम। इनको मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन सद्भाव स्टार्ट किया गया है इंडिया के द्वारा। इंटरनेशनल क्रिकेट अंपायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला हैं सलीमा इम्तियाज़। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने घोषणा की है कि सलीमा इम्तियाज़ जो हैं वो ICC के डेवलपमेंट अंपायर पैनल में इनको नामित किया गया और ये पद हासिल करने वाली ये पहली पाकिस्तानी महिला हैं। देश की पहली वंदे मेट्रो का उद्घाटन ये किस राज्य में किया गया? तो गुजरात में इसका उद्घाटन किया गया है। भारत की पहली वंदे मेट्रो सेवा का नाम बदल करके नमो भारत रैपिड रेल कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 16 सितंबर को भुज और अहमदाबाद के बीच चलने वाली इस सेवा का वर्चुअली शुभारंभ किया है। हाल ही में सशस्त्र सीमा बल यानी SSB के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो अमृत मोहन प्रसाद बनाए गए हैं SSB के नए महानिदेशक। स्थापना हुई थी 20 दिसंबर 1963 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है और आदर्श वाक्य है सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो अतिशी मार्लेना बनाई गई हैं दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के तौर पर अतिशी के नाम की घोषणा की। दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी और आज़ादी के बाद भारत के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की 17वीं महिला मुख्यमंत्री ये बनने वाली हैं। अब्देल मजीद तैबिन की किस देश के दोबारा से राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो अल्जीरिया के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। राजधानी है अल्जीयर्स, मुद्रा है अल्जीरियाई दिनार और क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका की अगर बात करें तो पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया। किस देश ने चामरान फर्स्ट उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया। ईरान की राजधानी है तेहरान और मुद्रा है रियाल। राष्ट्रपति है मसूद पेजेस्कियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता? ये खिताब भारत के द्वारा जीता गया। मेज़बानी की थी चाइना ने और विजेता बना है भारत, उपविजेता चाइना बना है। LCA तेजस उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट मोहना सिंह हैं। LCA तेजस जो है वो पूरी तरीके से मेड इन इंडिया है और करीब 8 साल पहले फाइटर स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी थी मोहना सिंह। विश्व के सबसे ऊंचे बैम्बू टावर का इनॉग्रेशन कहां पर किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में इसका इनॉग्रेशन हुआ है। विश्व बांस दिवस पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में दुनिया के सबसे ऊंचे बांस के टावर का उद्घाटन किया। 11 लाख रुपये की लागत से बना हुआ है ये टावर। 140 फीट ऊँचा है और इसका वजन 7400 किलोग्राम है। WHO ने किस देश को कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? तो जॉर्डन को घोषित किया गया है लेप्रोसी फ्री कंट्री। WHO ने जॉर्डन को कुष्ठ रोग को ख़त्म करने वाला पहला देश घोषित किया, जो कि एक बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य उपलब्धि है। 20 से अधिक वर्षों में यहाँ पर कोई भी ऐसा केस नहीं देखा गया है जो कि लेप्रोसी का हो। राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो स्कॉटलैंड में होंगे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026। राष्ट्रमंडल खेल 2026 स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित किए जाएंगे और इसके पहले ऑस्ट्रेलियाई शहर विक्टोरिया ने बढ़ती लागत का हवाला देते हुए जुलाई 2023 में 2026 के खेलों की मेज़बानी से अचानक हाथ खींच लिया था। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसने जीता है? तो ये टाइटल ध्रुवी पटेल ने जीता है। USA की हैं ये, भारतीय मूल की छात्रा हैं ध्रुवी पटेल। इन्होंने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब जीता है। ये भारत के बाहर सबसे लंबे समय तक चलने वाली भारतीय प्रतियोगिता है। श्वेत क्रांति 2.0 का अनावरण किसने किया है? तो अमित शाह जी ने इसका अनावरण किया है। 4 मेन एरियाज़ पर आधारित है, महिला किसानों को सशक्तिकरण बनाना, दूध उत्पादन में वृद्धि, डेयरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और डेयरी निर्यात को बढ़ावा देना। 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 ये किसने जीती है? तो ये पंजाब ने जीती है उत्तर प्रदेश को हरा करके। नेचर जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषण देश कौन सा बन गया है? तो भारत बना है। टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो इंडिया, नाइजीरिया एंड इंडोनेशिया हैं। किसे सर्वसम्मति से संसदीय राजभाषा समिति का पुनः अध्यक्ष चुना गया? तो अमित शाह जी चुने गए हैं संसदीय राजभाषा समिति के पुनः अध्यक्ष। राजभाषा संबंधी संसदीय समिति जो है इसकी स्थापना 1976 में राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 के अंतर्गत की गई थी। इसमें 30 संसद सदस्य होते हैं जिसमें 20 लोकसभा और 10 राज्यसभा से होते हैं। 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में किस शहर ने स्वच्छ हवाई सर्वेक्षण पुरस्कार जीता है? ये पुरस्कार सूरत ने जीता है, गुजरात का शहर है।
भारत में वायु गुणवत्ता रैंकिंग में सूरत को शीर्ष स्थान मिला है, जबकि मध्य प्रदेश का जो जबलपुर है उसको सेकंड प्लेस और उत्तर प्रदेश का आगरा जो है इसको थर्ड प्लेस मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने किसके साथ मिलकर रशद कौशल और क्षमताओं को बढ़ाने के लिए गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इंडियन आर्मी यानी इंडियन एयरफोर्स और गति शक्ति विश्वविद्यालय इनका एक समझौता है। इसका उद्देश्य है आंतरिक विशेषज्ञता को बढ़ाना, पीएम गति शक्ति, राष्ट्रीय मास्टर प्लान जैसी जो राष्ट्रीय विकास योजनाएँ हैं उनका समर्थन करना। भारत ने किस देश के साथ ऐतिहासिक असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यूएई के साथ में भारत ने हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड यानी NPCIL और अमीरात परमाणु ऊर्जा कंपनी INC के बीच में हस्ताक्षरित किया गया है। इसका उद्देश्य है परमाणु ऊर्जा संचालन और रखरखाव में सहयोग बढ़ाना। किस देश ने चौथी इंटरकॉन्टिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप जीत ली है? तो सीरिया ने ये चैंपियनशिप जीती है। सीरिया ने अंतिम राउंड में रॉबिन मैच में भारत को 3-0 से हरा करके ये चैंपियनशिप जीती। इस चैंपियनशिप का आयोजन अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा 3-9 सितंबर 2024 तक हुआ था। GMC बालयोगी गाचीबोवली स्टेडियम हैदराबाद तेलंगाना में इसका आयोजन किया गया था। US न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्टिंग के द्वारा जारी सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2024 में किस देश ने पहला स्थान हासिल किया है? तो स्विट्जरलैंड को फर्स्ट प्लेस मिली है। लगातार तीसरे साल ये पहला स्थान इसने हासिल किया है। इस रैंकिंग में टोटल 89 देश थे जिसमें भारत ने 33वां स्थान हासिल किया है। जैक्सन लेगेसी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो माइक पांडे को सम्मानित किया गया है। माइक पांडे को अमेरिका के मैरीलैंड में जैक्सन वाइल्ड लेगेसी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार उन्हें 45 वर्षों की प्रभावशाली कहानी कहने की कला के लिए दिया गया है। इन्होंने वन्य जीव और पर्यावरण से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाई है। नेक्स्ट, 5 decades इन पॉलिटिक्स ये किसकी आत्मकथा है? तो ये सुशील कुमार शिंदे की आत्मकथा है। राजनीति में 5 दशक ये सुशील कुमार शिंदे की आत्मकथा है। इसका जो है दिल्ली में विमोचन किया गया। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कितने नए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए हैं? तो 6 नए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए गए हैं। कौन कौन से हैं? राघवेंद्र पी शंकर, एस द्वारकानाथ, अर्चना पाठक दवे, सत्यदर्शी संजय, ब्रजेंद्र चहर और राजकुमार भास्कर ठाकरे। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस यानी नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे ये कब मनाया जाता है? तो ये 11 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार की थीम है वनों और वन्य जीवन की रक्षा करने वालों के बलिदान का सम्मान करना। पहली बार ये दिवस जो है 2013 में मनाया गया था। शुभि गुप्ता ने राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप में लड़कियों की अंडर 16 श्रेणी में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, स्वर्ण पदक। भारत की शुभि गुप्ता हैं जिन्होंने श्रीलंका के कलतारा में आयोजित कॉमनवेल्थ शतरंज चैंपियनशिप में गर्ल्स अंडर 16 वर्ग में स्वर्ण और गर्ल्स अंडर 20 वर्ग में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। वेयर हैज द सेकेंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट मीडिया कॉन्फ्रेंस 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन जो है इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। इस सम्मेलन का विषय रहा है संघर्ष की रोकथाम और सतत विकास के लिए विचारशील संचार। उद्देश्य है कि पूरे एशिया में बौद्ध मीडिया पेशेवरों का एक नेटवर्क बनाना। मुख्य अतिथि इसमें फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान सी बाईचुंग भूटिया रहे हैं। अपनी पहली लघु शीर्ष कहानी श्रृंखला 9 यार्ड साड़ियों के लिए सिंगापुर साहित्य का पुरस्कार किसने जीता है? 9 यार्ड साड़ीज के लिए यह पुरस्कार जीता है प्रशांति राम ने। उनकी कहानी चक्र सिंगापुर, सिडनी, न्यूयॉर्क में पहले तमिल ब्राह्मण परिवार की पीढ़ियों के बारे में है। नौसैनिक अभ्यास है ओशियन 2024, इसका आयोजन किस देश ने शुरू किया है? तो रशिया ने इसको स्टार्ट किया है। रूसी जो नेवी है उसने प्रशांत और आर्कटिक महासागरों में भूमध्य सागर, कैस्पियन और बाल्टिक समुद्रों में नियोजित रणनीतिक अभ्यास महासागर 2024 यानी ओशियन 2024 का आयोजन स्टार्ट कर दिया है। किसे BATA गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो ये मिला है केरल पर्यटन को। केरल टूरिज्म को BATA गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। केरल पर्यटन को डिजिटल मार्केटिंग श्रेणी में पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। किस राज्य ने आदिवासी छात्रों के विकास और उनके बेहतर भविष्य के लिए आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना की है? तो महाराष्ट्र ने ये विश्वविद्यालय स्थापित किया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने महाराष्ट्र राज्य में जनजातीय छात्रों के विकास और उनके बेहतर भविष्य के लिए एक आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की। ये विश्वविद्यालय महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थापित किया जाएगा।
मुंबई में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर अकुरली पुल का उद्घाटन ये किसने किया है? तो ये पीयूष गोयल जी के द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। कौन सा राज्य शहरी क्षेत्र के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष सेवाएं देने वाला पहला भारत का राज्य बना? तो मध्य प्रदेश पहला भारतीय राज्य बन चुका है। मध्य प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने शहरी क्षेत्रों के सभी 328 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष की सुविधा उपलब्ध कराई है। 19 नंबर क्वेश्चन इज, कौन सा देश सोशल मीडिया के उपयोग के लिए न्यूनतम आयु लागू करेगा? ऑस्ट्रेलिया जो है मिनिमम एज डिक्लेयर करेगा सोशल मीडिया यूज़ के लिए। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और प्रधानमंत्री हैं एंथनी एल्बनीज। भारत और ओमान के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजा के 5वें संस्करण का आयोजन कहां पर हुआ? तो सलाला ओमान में इसका आयोजन हुआ है, भाग लिया है भारत और ओमान ने, 5वां संस्करण था और आयोजन 13 से 26 सितंबर के बीच में हुआ है। आर रविंद्र को किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो आइसलैंड में बने हैं ये भारतीय राजदूत आर रविंद्र। आइसलैंड की बात करें तो राजधानी है रेगजाविक और मुद्रा है क्रोना। राष्ट्रपति यहाँ पर हल्ला टॉमस डॉटेर हैं। भारत ने किस स्थान पर कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल VLSR-SAM का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है? इसका परीक्षण चांदीपुर ओडिशा में किया गया। VLSR-SAM इसका फुल फॉर्म होता है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ये एक क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है। कलरफुल फिश ऐप ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये राजीव रंजन सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं श्री राजीव रंजन सिंह। इन्होंने भुवनेश्वर में कलरफुल फिश मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इसके चौथे चरण को किस मंत्रालय के द्वारा लागू किया जाएगा? तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसे लागू किया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है PMGSY ये लॉन्च की गई थी 25 दिसंबर 2000 में। इसका उद्देश्य भारत में गाँवों में अच्छा रोड कनेक्टिविटी प्रदान करना। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं इस समय शिवराज सिंह चौहान। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? तो मिशेल बार्नियर बनाए गए हैं फ्रांस के नए प्रधानमंत्री। फ्रांस की बात करें तो ये यूरोप कॉन्टिनेंट में स्थित एक देश है। राजधानी इसकी पेरिस है, सी नदी के तट पर स्थित है, मुद्रा है यूरो। राष्ट्रपति यहाँ पर इमैनुअल मैक्रो हैं जो कि 75वें गणतंत्र दिवस पर 2024 में भारत के मुख्य अतिथि भी थे। प्रधानमंत्री यहाँ के नियुक्त हुए हैं मिशेल बार्नियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बनने की उपलब्धि किसने हासिल की? तो सिद्धार्थ अग्रवाल बने हैं इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय। बेंगलुरु के हैं सिद्धार्थ अग्रवाल जिन्होंने 49 साल की उम्र में 15 घंटे 6 मिनट 42 किलोमीटर की तैराकी पूरी की है। 98 नंबर क्वेश्चन है, पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन यानी कि इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया गया? न्यू दिल्ली में ये आयोजित किया गया है। लास्ट 2 क्वेश्चन यहाँ पर रिमेनिंग है, आइए देखते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन है, लैंगिक विविधता और समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किसे जेंडर डाइवर्सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर दशारी राधिका को सम्मानित किया गया है। वर्ष 2024 में अर्थ का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर दर्ज किया गया है 82.2 डिग्री, ये कहाँ पर दर्ज हुआ है? तो ईरान में दर्ज किया गया है। दक्षिणी ईरान में एक मौसम स्टेशन ने कथित तौर पर 82.2 डिग्री सेल्सियस और 36.1 डिग्री सेल्सियस के औसत बिंदु पर पृथ्वी पर अब तक का उच्चतम तापमान दर्ज किया है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर एंड होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं, जो भी अपडेट्स हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। थैंक यू।